बड़ी खबर आई, ईरान के तेल भंडार में लगी भयंकर आग से जुड़ी। ईरान के खुरासान प्रांत में मौजूद तेल के बहुत बड़े भंडार में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी गई। आग लगने के बाद तेल भंडार में दो बड़े धमाके भी हुए, जिससे आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई। घटना के तुरंत बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। गनीमत यह रही कि कोई भी आदमी इस भीषण आग की चपेट में नहीं आया, क्योंकि जब यह हादसा हुआ उस वक्त तेल भंडार में कई लोग काम कर रहे थे। हालांकि जैसे ही आग की लपटें फैलने लगी, उन्हें बिना देरी किए वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। और जैसे ही उस तेल भंडार से लोगों को निकाला गया, वहां एक के बाद एक दो भयंकर धमाके हुए। इन धमाकों से आग की लपटें और भड़क गई। इसके बाद तो वहां आसमान में आग का इतना बड़ा गोला बन गया कि उसे देखकर दूर खड़े लोगों की भी सांसें अटक गईं। देखते ही देखते आग ने और भी विकराल रूप ले लिया। उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उड़ गई। इतनी भयानक आग का अंदाजा वहां किसी को भी नहीं था। दमकल के कई कर्मचारी जो आग बुझाने वहां पहुंचे थे, उन्हें भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया, क्योंकि तेल भंडार में धमाके होने से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के भी झुलसने का डर था। इस वजह से आग बुझाने के काम में देरी हुई और तब तक लपटें पूरे तेल भंडार में फैल गई। ये हादसा ईरान के पूर्वी हिस्से में मौजूद खुरासान प्रांत में हुआ, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, और वहां तेल भंडार के अलावा कई दूसरी फैक्ट्रियां भी हैं। हालांकि जैसे ही धमाके होने बंद हुए, दमकल कर्मचारियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया, लेकिन तब तक वहां भारी नुकसान हो चुका था। ईरान के मीडिया के मुताबिक आग बुझने तक करीब 15 लाख लीटर तेल जल गया। इसी वजह से आग इतनी फैल गई कि कुछ ही देर में पूरा का पूरा तेल भंडार तबाह हो गया। खुरासान प्रांत के प्रशासन ने एहतियातन आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया, क्योंकि आग की लपटें लगातार फैलती जा रही थी। धुएं का घना गुबार पूरे इलाके में फैल रहा था। इस बड़े खतरे को देखते हुए तेल भंडार के नजदीक बनी फैक्ट्रियों के कई कर्मचारियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। आग बुझने के कई घंटे बाद भी वहां से धुआं उठता रहा और उससे उस इलाके में दहशत बनी रही। बाद में ईरान की सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए, ताकि पता चल सके कि किस वजह से तेल भंडार में इतनी बड़ी घटना हो गई। क्योंकि हाल के महीनों में ईरान के अलग अलग शहरों में धमाके और आग लगने की घटनाएं बढ़ गई। पिछले महीने ही मध्य ईरान में मौजूद न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नजदीक धमाका हुआ था, और ईरान ने उस धमाके के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया था। पिछले महीने ये ब्लास्ट मध्य ईरान में मौजूद न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नजदीक हुआ था। उस वक्त ये अंदेशा जताया गया था कि अगर वो धमाका न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में हुआ होता तो पूरे ईरान में भयानक तबाही आ जाती। इस धमाके से पहले अक्टूबर में भी राजधानी तेहरान के नजदीक एक पावर प्लांट में विस्फोट हुआ था। और इन घटनाओं को देखते हुए ही माना जा रहा है कि ईरान की सरकार खुरासान प्रांत की घटना को भी शक की नजर से देख रही है। हालांकि तेल भंडार में लगी आग की घटना में किसी साजिश की बात सामने नहीं आई है, लेकिन खबर है कि ईरान की सरकार साजिश के एंगल से भी इसकी जांच में जुट गई है।